दिवाली का मौका है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा गया कि तमाम कपल्स के लिए ये दिवाली जो है उनकी शादी के बाद की पहली दिवाली रही। जी हाँ, यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा भी अमेरिका में अपने पति निक जॉनस के साथ दिवाली सेलिब्रेट करती दिखाई दी। आपको बता दें कि शादी के बाद दोनों की ये जो है पहली दिवाली रही और यहाँ पर साड़ी पहने देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को देखा गया, तो वहीं निक जॉनस जो है एकदम पैंट शर्ट में दिखाई दिए। मगर ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का कारण बन रही हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर प्रियंका और निक जो हैं बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में दिखाई दिए। यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया कि बेहद ही ज़्यादा दिवाली के मौके पर ये दोनों ही रोमांटिक होते दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर आपको कुछ इनकी खूबसूरत सी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से ससुराल वालों के साथ प्रियंका चोपड़ा की ये जो दिवाली रही वो काफ़ी ही कूल अंदाज में यहाँ पर देखा गया। और उसके बाद प्रियंका चोपड़ा भी यहाँ पर जो है वन शॉट ड्रेस में दिखाई दे रही हैं। प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द स्काई इज पिंक हाल ही में रिलीज हुई है और ये फिल्म जो है ठीक ठाक कलेक्शन करती हुई भी दिखाई दे रही है। जितनी उम्मीद इस फिल्म से लगाई जा रही थी, हालांकि उस उम्मीदों पर अभी तक ये फिल्म नहीं उतर पाई है और प्रियंका चोपड़ा के लिए ये टास्क काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी था, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है उनके लिए। आप सभी को बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने जब सलमान खान की फिल्म भारत को छोड़ा था और उसके बाद द स्काई इज पिंक का ऐलान हुआ, तो कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन सा बन गया है। अब भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे जब वो बड़े पर्दे पर आई थी। अब प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द स्काई इज पिंक जो है गति सही पकड़ी हुई है, मगर वो अभी तक वो टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, ना तो उन्हें अचीव कर पा रही हैं। अब ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से प्रियंका चोपड़ा अब जो इंडियन मूवी में कौन सा नया प्रोजेक्ट उनके हाथ लगता दिखाई देगा। नेक्स्ट आई न्यूज़ रूम से नांसी की रिपोर्ट।